हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट मसाला यूट्यूब चैनल। सो क्रिकेट एक खेल मात्र नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। और जो जो भी क्रिकेट खेलता है उसमें इमोशंस कूट कूट कर भरे होते हैं। कुछ खिलाड़ी अपने इमोशंस को छुपाए रहते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों इस खेल की एक खासियत है कि इसे जीतने वाले को तो हर कोई याद करता है, लेकिन हारने वाले को अक्सर बदनाम कर दिया जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्रिकेटर क्यों ना हो। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में जिन्हें लोगों ने बदनाम कर रखा है। नंबर एक पर जो खिलाड़ी है दोस्तों, उसका नाम सुन के तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन नंबर 10। तो नंबर 10 पर आते हैं शोएब अख्तर। शोएब अख्तर नाम में ही रफ्तार है। दोस्तों शोएब अख्तर एक महान गेंदबाज हैं और ये अपने समय के सबसे तेज गेंदबाज माने जाते थे और क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जिसे शायद ही कोई तोड़ पाए। लेकिन दोस्तों शोएब अख्तर अपने समय के सबसे बदनाम क्रिकेटरों में से भी एक थे। दोस्तों लोग शोएब को घमंडी कहकर भी चिढ़ाते थे और दोस्तों शोएब शराब पीने के कारण भी सुर्खियों में बने रहते थे। नंबर 9। तो दोस्तों हमारी सूची में नंबर 9 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ गेंदबाज, जिनका नाम है मिचेल स्टार्क, जो कि वाकई में एक शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन ये भी क्रिकेट के एक बदनाम खिलाड़ी हैं। अपने क्रिकेट करियर में कई फाइट्स करने वाले स्टार्क को गुस्सेल भी कहा जाता है और दोस्तों इनकी गुस्सा ही इन्हें बदनाम करती है। दोस्तों स्टार्क ड्रिंक मैन भी हैं और ये शराब लेते रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8। तो हमारी सूची में नंबर 8 पर आते हैं कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड एक भयंकर कद काठी वाला खिलाड़ी है। पोलार्ड दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडरों में से एक है, जो कि वेस्ट इंडीज की ओर से खेलते हैं। एक बेहतरीन कद काठी होने के कारण पोलार्ड खुद पर घमंड करते हैं और बाकियों को ट्रोल करते हैं। बीच मैदान पर इनके अजब गजब रिएक्शन देखे जा सकते हैं। अपने गुस्से और रिएक्शन के कारण ये विवादित और बदनाम खिलाड़ी है। नंबर 7। दोस्तों हमारी सूची में नंबर 7 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न, जो कि वाकई में एक बेस्ट गेंदबाज थे। दोस्तों अपने समय में इन्हें शराबी क्रिकेटर भी कहा जाता था और ये अपने समय के एंग्री क्रिकेटर भी थे और दोस्तों लोग इसी कारण इन्हें बदनाम करते थे और बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण शेन वॉर्न को मिस्टर शराबी भी कहा जाता था। अब अपन बात करते हैं नंबर 6। दोस्तों हमारी सूची में नंबर 6 पर आते हैं भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर। दोस्तों वैसे तो गंभीर एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन अपने क्रिकेट करियर में कई फाइट्स के कारण भी ये मशहूर है। दोस्तों गंभीर को एंग्री क्रिकेटर भी कहा जाता है, बाकी इन्होंने अपने समय में कई फाइट्स लड़ी, जैसे विराट कोहली के खिलाफ भी एक अपने तेवरों में देखे और इसके बाद पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के खिलाफ भी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 पर आता है एक और गुस्सेल क्रिकेटर, जिसका नाम है विराट कोहली। दोस्तों विराट वर्तमान समय के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और अपनी बल्लेबाजी के लिए विराट की तुलना सचिन जैसे महान खिलाड़ी से होती है, लेकिन दोस्तों विराट एक गुस्सेल तथा अग्रेसिव क्रिकेटर हैं और इसी कारण ये बदनाम है। विराट के कुछ हेटर्स इन्हें घमंडी क्रिकेटर्स भी कहते हैं। नंबर 4। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, जो कि एंग्री फाइटर होने के साथ साथ चीटर के नाम से भी बदनाम किए जाते हैं। दरअसल दोस्तों बॉल टेम्परिंग के बाद इन्हें चीटर कहकर चिढ़ाया जाता है और दोस्तों इनका खूब मजाक उड़ाया जाता है। अपनी बेईमानी के कारण लोग इन्हें बदनाम करते हैं और दोस्तों एक बार आपने बॉल टेम्परिंग कर दी तो लोग जिंदगी भर आपको उसके लिए याद करेंगे। नंबर 3। तो दोस्तों नंबर 3 पर भी आता है एक और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का नाम, जिसका नाम है डेविड वार्नर। जी हाँ दोस्तों वैसे तो मैदान के बाहर डेविड एक शानदार इंसान है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक गलती आपको बदनाम कर देती है और दोस्तों ये बॉल टेम्परिंग में स्मिथ के साथ थे और इसी कारण इन्हें चीटर कह के चिढ़ाया जाता है। नंबर 2। नंबर 2 पर आते हैं शाकिब अल हसन। बांग्लादेश का यह ऑलराउंडर पागल क्रिकेटरों में भी शुमार है और जब इसे गुस्सा आता है तो ये सभी नियम सारी हदें पार कर देता है, सारे नियम तोड़ देता है। इस खिलाड़ी ने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिससे क्रिकेट शर्मसार हुआ है। ये अपने कर्मों के कारण बदनाम है और पूरी दुनिया में लोग इसे पागल क्रिकेटर भी कहते हैं। अब आते हैं नंबर 1 पर। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है एक ऐसा नाम जिसने
ना तो कोई लड़ाई की और ना ही कभी अपना आपा खोया और ना ही कोई गाली दी, फिर भी लोग उसे बदनाम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उस खिलाड़ी का नाम है एबी डिविलियर्स। दोस्तों वैसे तो एबीडी के करोड़ों चाहने वाले हैं, दुनिया में शायद ही इनका कोई हेटर्स हो, लेकिन इनके देश के लोग ही इन्हें एक भी आईसीसी ट्रॉफी ना जीतने के कारण अनलकी मैन कहकर बदनाम करते हैं, जिसके कारण मिस्टर 360 को काफी दुख होता है। दोस्तों साउथ अफ्रीका के लोगों की सोच पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को दिल से लाइक कर दे, और हाँ यार अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं क्रिकेट के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।